नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि आपकी काउंसलिंग अब पूरी हो चुकी है। अब आपका अलर्टमेंट लेटर रिजल्ट यानी कि इसका आने वाला है 8 नवंबर को। उसके 8 नवंबर के आने के बाद में जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है वो जमा होगी, और सिक्योरिटी फ़ीस जमा होने के उपरांत ही आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो हर टॉपिक पर आपकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, और जिस पे नहीं बनाई है उस पे ऑलरेडी अब बना रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि डॉक्यूमेंट पर रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। एफिडेविट कहाँ से बनेगा इसके बारे में हम आपको बता देंगे। सिक्योरिटी फीस कब जमा करनी है इसका मैंने आपको बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, ज़रा सा स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल साइट है। अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप जाके डायरेक्टली इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। फ्रेंड, देख पा रहे होंगे इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा दिया है, आगे इस पेज में एंटर हो जाएंगे। देख पा रहे होंगे फ्रेंड, इसकी पेज अंदर हम एंटर हो गए हैं। अब ये नोटिस आपका आ जाएगा। चॉइस लॉकिंग आपका 4 नवंबर तक हो गई थी रात्रि 10:30 तक। इसके बाद में आपका जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं उससे रिलेटेड नया नोटिफिकेशन ऐड हुआ है, तो इस नोटिस पर भी हम बात कर लें। जितने भी नए नोटिस ऐड होते जाएंगे और आपको जिस चीज़ की नीड आपको होगी तो उसके रिगार्डिंग वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। तो फ्रेंड, अब इस पर आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट जो क्या क्या लगने रहने वाले हैं। तो प्रशिक्षण केंद्र में जो आपको प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र लगने हैं वो कौन कौन से लगने हैं, सबसे पहले नंबर पर बात कर लें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के ले जाने हैं। आपके लगभग हर साल दो सेट बनते हैं, तो इस वर्ष भी आप 2 सेट बनवा लें तो आपका सही होगा। यानी कि एक आपका ओरिजिनल तो आपका होगा ही, 2 आप इसकी फ़ोटो स्टेट करा रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास 3 हो जाएंगी। यानी कि एक अपने पास रहना चाहिए और 2 वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। तो वैसे 2 ही बनाते हैं, पर एक एक्स्ट्रा बनवा लें तो आगे के लिए आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, दोबारा से कॉलेज से नहीं निकलवाना पड़ेगा। दूसरा की बात कर लें आवंटन पत्र, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि आपका सिक्योरिटी फीस के बाद ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसके भी ये प्रिंट आउट निकलवा लेना है, इसके साथ ही 2 फोटोकॉपी करवानी है। कुल मिला के एक ही फॉर्म आपके 3 होने चाहिए। इसके बाद से निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, तो जो आपके कॉलेज की फीस जो जमा होगी जो गवर्नमेंट निर्धारित की गई है वो 24,000 रुपये मात्र रखी गई है, और इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों का अलग अलग दिया जाएगा। पर फॉर्म में आपका 24,000 रुपये ही दे रखा है, पर निजी संस्थान आपके ज़्यादा शुल्क वसूलते हैं। अगला बात कर लें, चौथे नंबर का बात कर लें हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि आपका 2015 के बाद में जो मार्कशीट आती है उसी में आपका प्रमाण पत्र इंक्लूड होता है। उससे पहले 2015 से पहले आपका हाई स्कूल का अंक पत्र अलग आता था और प्रमाण पत्र अलग आता था। तो अगर आपने 2015 के बाद में अगर आपका मार्कशीट में देख पाएंगे उसी के ऊपर आपके मार्क्स होंगे और उसके नीचे देखेंगे वो प्रमाण पत्र होता है, दोनों में इंक्लूड होते हैं। तो आप कन्फ्यूज ना हो, केवल और केवल आपकी मार्कशीट होगी वो आपको फोटो स्टेट करानी है और ओरिजिनल भी आपको लेके जानी है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं क्योंकि एक सेट आपका ओरिजिनल का बनना है और एक उसका जीरोक्स कॉपी करा के रखना है, यानी कि 2 सेट बनने, एक अपना जीरोक्स रख सकते हैं। तो ये मैं आपका ओरिजिनल एक सेट बता रहा हूँ, जैसे हाई स्कूल का लेना है सेम आपका इंटर का अंक प्रमाण पत्र लेना है, उसके बाद ही आपका एवं वो एक ही में इंक्लूड होता है तो वो आपका उसी में हो जाएगा। तो केवल विज्ञान वर्ग के होना चाहिए जो कि आपकी विषय होंगी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ ही उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही हम अगला पॉइंट की बात कर लें, वो 6 नंबर जाति प्रमाण पत्र केवल और केवल उनका लगना है जो कि OBC कैटेगरी के हों, SC कैटेगरी के हों, इसके अलावा ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, उन्हीं के द्वारा लागू किया जाएगा।
खास तौर पर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात कर लें, उनका जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, वो आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए, तब इसमें आपके एडमिशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगला हम पॉइंट की बात कर लें, वो आ जाएगा आपका 7 नंबर। 7 नंबर है EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए प्रमाण पत्र। ये केवल और जनरल वालों के लिए होता है, जो कि 10% रिजर्वेशन के लिए अलग से प्रमाण पत्र होता है। अगर आपने फॉर्म भराते समय EWS के आगे आपने यस लिखा है, तो आपका इस समय ही वो प्रमाण पत्र देखा जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का EWS है, वो EWS का एक ओरिजिनल और एक आपका जीरोस कॉपी आपके पास अवश्य होना चाहिए, जो कि संस्थान में आपका जमा होगा। अगला पॉइंट बात कर लें, 8 नंबर, अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, अगर आपके पास उपश्रेणी प्रमाण पत्र में PH फ्रीडम फाइटर आ जाए या आपका एक्स आर्मी आ जाए, इनके यानी कि किसी के पापा एक्स आर्मी में हैं उसका प्रमाण पत्र हो, फ्रीडम फाइटर हो वो हो, इसके अलावा या हैंडीकैप है, PH का हैंडीकैप हो, तब उसका कोई प्रमाण पत्र है, तब भी आपको यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपने फॉर्म भराते समय इसमें अवश्य डाला होगा। तो ये अब आपका समय आ गया है कि जो आपने प्रमाण पत्र वहाँ पे बताए गए हैं फॉर्म भरने के अनुसार, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अब आपका वेरीफाई होगा। कह सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे डिटेल भरी गए, वो यहाँ पे वेरीफिकेशन होगा। अगर आपका ये सही पाया जाता है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, वो आता है आधार कार्ड। फ्रेंड्स, आधार कार्ड आपको लेके जाना है और जीरोस कॉपी भी आपको करानी है। तो फ्रेंड्स, अगला हम बात कर लें आधार कार्ड के बाद, बात कर लें 10वां पॉइंट, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र। तो इसकी बात आ जाती है, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में आप क्या ले जा सकते हैं? तो फ्रेंड, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र की हम बात कर लें, तो सबसे पहले आपका जो है कॉलेज से TC आपका लेके जाना है, और आपका CC लेके जाना है। CC और TC दोनों आपको लेके जाना है, जो आपका कॉलेज ने आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है 12वीं, वहाँ से आपकी 12वीं से TC आपको मिल जाएगी, ये जो कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है। CC का मतलब होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगला हम पॉइंट की बात कर लें, और हम क्या इसमें आपका कर सकते हैं, अगला है आपका आप मूल निवासी कहाँ के हो, तो ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रूप में आप दूसरा इसमें हम बता सकते हैं। तो डोमिसाइल भी सर्टिफिकेट आप इसमें आप ऐड कर लें, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ये भी आपको लेकर जाना है। तो फ्रेंड, 2 मैंने डॉक्यूमेंट इसमें बता दिए। इसके अलावा कम से कम अपना 4 से 6 फ़ोटो ज़रूर लेके जाना है, जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होंगे, वो आपने डॉक्यूमेंट बनाते समय होंगे, वो आपने जब भी आपने करा लिए होंगे, वही आपको फ़ोटोज़ लेके जाना है। और किसी के पास वो फ़ोटो नहीं है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा आप अपने साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, स्टेपलर ले जा सकते हैं, और अपना ग्लू साथ में ले जाएँ, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये चीज़ अपने पास होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला एक बात आ जाएगी कि बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में होंगे कि किसी किसी कॉलेज में या किसी वीडियो में हमने ऐसा भी देखा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगता है, बनाया जाता है। उसकी फीस भी अलग होती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से अलग है, पर इसके मेडिकल फैकल्टी के थ्रू ही इसमें एडमिशन लिया जा रहा है, तो इसलिए उसकी सीट आपकी मेडिकल फैकल्टी की ही मिलेंगी। पर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो अलग है, उसका आपका रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अलग मिलेगा। तो उसमें आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवश्य लगेगा, CC लगेगा, TC लगेगा, और आपकी फ़ीस भी एक्स्ट्रा लगेगी। और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो एफिडेविट की बात आ जाती है, एफिडेविट भी इसमें 3 लगते हैं, और इसमें आपका एफिडेविट लगभग आपका 1 लगेगा। तो फ्रेंड, ये अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो अगला बात कर लें, एफिडेविट की बात हो रही है, एफिडेविट कहाँ से बनेगा? तो एफिडेविट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास में तहसील होगी, तो तहसील में आप जाएं और उनको बोलना है कि हमें एफिडेविट बनवाना है, तो वो पूछेंगे कि किस वजह से आपको एफिडेविट बनाना है। तो आपको बताना है कि हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमें एफिडेविट बनवा के दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर देगा, और उसमें पूरा
फिलफिल्ड वो खुद कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइन करने होंगे। काफ़ी सस्ता बनता है, ऐसा नहीं है महंगा बनता है, आप कम से कम 80 से 100 रुपए के बीच में आपका बन जाएगा। और आपको ये अवश्य उसमें आपको डलवाना है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय समय पर पारित किए जाएंगे उनका मैं सम्मान पूर्वक पालन करूँगा या करूँगी। अच्छा आचरण बनाए रखकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा या करूँगी कि किसी कार्य क्रियाकलाप में भाग नहीं लूँगी या लूँगा जिससे प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न हो। अनुशासन हेतु जो भी कार्रवाई प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किए जाएगी जो मुझे मान्य होगी। तो ये साफ साफ शपथ प्रमाण पत्र किया जाए कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा और आपको वो स्वीकार होना चाहिए, तो उसका ये शपथ प्रमाण पत्र तो होता है। तो ये इसका पूरा मैंने आपको बता दिया, स्टाम्प पेपर की बिल्कुल भी चिंता ना करें, ईजिली आपका बन जाएगा। तहसील में जाकर किसी भी तहसीलदार से या किसी भी जहाँ पे आप बनवा सकते हैं वहाँ बनवा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होगा। और कैसा एफिडेविट बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो ले आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल दिखा दूँगा कि इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। इसके अलावा केजीएमसी के लिए भी आपके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कहाँ से बनने हैं, कैसे कैसा होता है। तो फ्रेंड चैनल पर बने रहना है, अगर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।